मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी, विपिन कुमार जैन, श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। हिंसा के बारे में आचार्य ने तरह तरह की हिंसा और हिंसा के फल को दर्शाया है। उसी क्रम में अब आगे और एक श्लोक और आगे कई श्लोक नई नई बातें बताने वाले होंगे। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। एकस्य सैव तीव्रम् एकस्य सैव तीव्रम् दिशति फलम् सैव मन्दमन्यस्य दिशति फलम् सैव मन्दमन्यस्य व्रजति सहकारिणोऽपि व्रजति सहकारिणोऽपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले। बोलिए। एकस्य सैव तीव्रम् दिशति फलम् सैव मन्दमन्यस्य व्रजति सहकारिणोऽपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले। एकस्य एक जीव को स एव वही हिंसा तीव्रम तीव्र फलम फल को देती है। अन्यस्य अन्य को सैव वही हिंसा मंद मंद फल को देती है। दो व्यक्ति हैं मिलकर एक साथ एक हिंसा वाला कार्य कर रहे हैं। दोनों को फल अलग अलग, एक को तीव्र फल, एक को मंद फल। देखें। एकस्य एक को स एव वही हिंसा तीव्रम तीव्र फलम दिशति तीव्र फल को देती है। सैव वही हिंसा अन्यस्य संधि विच्छेद किया मंदम अन्यस्य अन्य जीव को मंद फल देती है। ब्रजति प्राप्त होती है सहकारिण अपि सहकारिण मिलकर की हुई भी हिंसा अर्थात मिलकर की हुई हिंसा भी वैचित्र्यम अत्र फल काले यहाँ फल के समय में विचित्रता को ब्रजति प्राप्त होती है।
दो व्यक्तियों ने मिलकर कोई हिंसा वाला कार्य किया है तब उनको फल एक सा मिलना चाहिए, पर यहाँ बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। दो व्यक्ति मिलकर एक साथ कोई हिंसा वाला कार्य करें, एक को तीव्र फल, दूसरे को मंद फल। क्यों? परिणामों के अनुसार। पंडित जी, श्लोक में जो कहा है उसे भी उदाहरण से समझाइए। राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में उधर रावण और रावण की सेना है, इधर रामचंद्र जी और लक्ष्मण हैं। युद्ध हो रहा है, राम और लक्ष्मण एक साथ रावण की सेना का वध कर रहे हैं जीत के लिए। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, उनका चिंतन कैसा था, ये रावण अगर मेरी सीता को लौटा देता तो युद्ध नहीं करना पड़ता, युद्ध करना पड़ रहा है, ओहो कितने पाप का कार्य हो रहा है, न मालूम ये युद्ध कब खत्म होगा। तीर चला रहे हैं, हिंसा हो रही है, लड़ाई चल रही है, चिंतन ऐसा है। लक्ष्मण जी का चिंतन कैसा है, अभी तो 500 ही मरे हैं, जब तक 2000 को नहीं मार लूँगा चैन नहीं पड़ेगी, इसलिए वो बहुत मन लगा के युद्ध कर रहे हैं। अब देखो एक साथ दोनों की क्रिया हो रही है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों सामने वाले के पक्ष के सैनिकों को मार रहे हैं, पर उसके बावजूद भी दोनों को फल अलग अलग मिलेगा। उनको विरोधनी हिंसा का थोड़ा फल मिलेगा और इनको स्पष्ट हिंसा का विशेष फल मिलेगा। किस पे डिपेंड करेगा? अपने आत्मा के परिणामों पे। इसलिए एक साथ की हुई हिंसा भी फल देने के काल में अलग अलग फल को देती है। हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। एक चोर को दो सिपाही मार रहे हैं। एक सिपाही तो इसलिए मार रहा है ये चोरी करना छोड़ दे तो ठीक है, एक इसलिए मार रहा है इसके हाथ पैर तोड़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, कोई चोर मिल जाए जब तक उसके हाथ पैर न तोड़ दूँ मुझे चैन नहीं पड़ती। पिटाई करने वाले दो हैं लेकिन दोनों के परिणामों में कितना अंतर है। इसलिए श्लोक में कहा है एक साथ की हुई हिंसा भी जब फल देती है, किसी को तीव्र किसी को मंद। हम इस उदाहरण को धार्मिक कार्यों में भी लगा सकते हैं। जैसे पूजा की एक थाली में दो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, एक कह रहा है आज तो पूजा में वो आनंद आ रहा है और एक घंटे और आधे घंटे चले तो आनंद आए, दूसरा कह रहा है जल्दी पीछा छूटे और एक पूजा बढ़ा ली और एक पूजा बढ़ा ली, पंडित जी को क्या है, पंडित जी तो फालतू हैं बेकार बढ़ा ले रहे हैं। अब देखना दोनों ही पूजा की थाली में हैं, वो ही सामग्री चढ़ा रहे हैं, वो ही पूजा बोल रहे हैं, दोनों के पुण्य फल में भी बहुत अंतर है। इसी तरह एक कार्य करते हुए भी दो व्यक्तियों की हिंसा में बहुत अंतर होता है। क्या गृहस्थी में भी ऐसे अवसर आते हैं? चौकी में आपने भोजन बनाया, दो व्यक्तियों ने भोजन किया, एक व्यक्ति व्रती था आया मौन से भोजन किया और चला गया, दूसरा आया उसने स्वाद ले लेके बड़े टेस्ट पूर्वक आपकी तारीफ करते करते खूब आनंद से खाया। अब देखना उसी भोजन को खाने वाले दोनों हैं, खाने में पुण्य का बंध नहीं होता, खाने में हिंसा होती है पाप बंध होता है, लेकिन जो व्रती है मौन से चुपचाप जो दिया खा के, आहार तो वो ही दिया भोजन तो वो ही दिया, और भोजन को चुपचाप खा के चला गया, हिंसा लगेगी बहुत थोड़ी। और जिसने खूब अच्छी तरह से जी भर के खाया, मन लगा लगा के उंगली चाट चाट के, उसको उसी भोजन करने में हिंसा लगेगी बहुत। किस पे डिपेंड करता है ये सब? आत्मा के परिणाम, कषायों की तीव्रता और मंदता पे आपका कितना राग रहा, कितना लगाव रहा, कितना आपने स्वाद लिया,
पंचेंद्रियों के विषयों में आपने कितनी डुबकी लगाई इस पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक कार्य करते हुए दो व्यक्ति जिनके परिणामों में जैसी तीव्रता है उनको उसके अनुसार हिंसा का फल थोड़ा या ज़्यादा लगता है। हिंसा के बारे में कुछ और विचित्र चर्चा आगे की जा रही है। प्रागेव फलति हिंसा, प्रागेव फलति हिंसा, क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि, क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि, आरव्य कर्तुमकृतापि, आरव्य कर्तुमकृतापि, फलति हिंसानुभावेन, फलति हिंसानुभावेन। बोलिए, प्रागेव फलति हिंसा, क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि, आरव्य कर्तुमकृतापि, फलति हिंसानुभावेन। प्रागेव, प्राग एव पहले ही, फलति फल दे देती है हिंसा, कोई हिंसा तो हिंसा होने से पहले ही फल दे देती है। क्रियमाणा करते हुए फलति, कोई करते हुए फल देती है। फलति च कृतापि, और कोई कर चुकने पर फल देती है। तीन बातें बता दी। पहला लिखा, कोई करने से पहले ही हिंसा फल दे देती है। कोई क्रियमाणा फलति, कोई करते हुए फलती है, और कोई कर चुकने पर भी फलती है। तीन तरह से आगे लिख रहे हैं। आरभ्य कर्तुम अकृतापि, किसी हिंसा को आरंभ तो कर दिया पर नहीं कर पाए तो भी फल देती है। प्रारंभ कर दिया है लेकिन फल नहीं, अभी उसका अभी आरंभ काम पूरा नहीं हो पाया। हिंसा अनुभावेन फलति, हिंसा की क्या बात करें, हिंसा तो कषाय भावों के अनुसार फल देती है। चार तरह से हिंसा हो रही है और चारों में कषाय भावों के अनुसार अलग अलग फल है। पंडित जी, हिंसा के पहले ही हिंसा का फल मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है। उदाहरण से समझें, एक शेर तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तालाब के पानी में उसने झांका, उसको तालाब में एक शेर दिखाई पड़ गया, थी उसकी परछाई। लेकिन उसने कहा, ओहो, इस तालाब में शेर है, मुझे इस शेर को मारना है, और वो तुरंत तालाब में कूद पड़ा। तालाब में कूद पड़ा, कूद के मर गया। अब मुझे बताइए, हिंसा तो उसने की नहीं, हिंसा करने से पहले ही उसको हिंसा का फल मिल गया, उसको अपनी जान देनी पड़ी। इस तरह कोई हिंसा का कार्य ऐसा होता है, हिंसा से पहले ही उसका फल मिल जाता है। ऐसे भी हिंसा के फल देखने में आते हैं। आपके चेहरे से ये मालूम दे रहा है अभी आपके बात उतरी नहीं। चलिए दूसरे उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई चार व्यक्ति कहीं किसी व्यापारी के यहाँ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उनको घेर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया, चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार। अब आप देखिए, अभी चोरी हुई क्या? नहीं हुई, लेकिन चोरी से पहले ही हिंसा लग गई, फल मिल गया, मिल गया। इसी तरह कहीं ऐसा होता है, हिंसा ना हो, प्रारंभ नहीं हुई, पहले ही हिंसा की बात हो जाए। पंडित जी, कोई हिंसा करते करते फल कैसे दे सकती है? जैसे कोई व्यक्ति कहीं लड़ाई करने के लिए, किसी को मारने के लिए जाने की तैयारी में है। उसने क्या किया, उसने अपनी राइफल निकाली
और राइफल निकाल के उसकी पूरी सफाई करने की तैयारी सब तैयारी करने लगा, उसमें कारतूस लगा दिया। अचानक क्या हुआ, गलत घोड़ा दब गया और उसकी गोली उसी के लग गई। देखना, तैयारी करते करते भी हिंसा का फल मिल गया, वो मर गया। अच्छा, मरने के बाद क्या हिंसा की तैयारी का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ फल मिला, यहाँ भी मिल गया और अभी तो आगे भी मिलेगा। ऐसे किसी को हिंसा की तैयारी करते करते भी फल मिल जाया करता है। पंडित जी, किसी को हिंसा करने के बाद फल मिलता है, वह कैसे? द्विपायन मुनि को जिन लोगों ने उनके ऊपर शराब की बोतलें, शराब वगैरह फेंकी और मारी थी, उस कारण से भयंकर क्रोध आ गया। बड़े अच्छे तपस्वी महाराज थे, उनके बाएं कंधे से एक अशुभ तेजस का पुतला निकला और उस पुतले ने पूरी द्वारका नगरी की परिक्रमा लगाई और पूरी द्वारका नगरी में आग लगा दी। आग लगाने में क्या हुआ, द्वारका नगरी के जितने महल और जितनी सामग्री थी सारी धू धू करके जलने लगी, जितने लोग थे सब बुरी तरह मरने लगे। अब कार्य जब पूरा हो गया तो वो अशुभ तेजस का पुतला आया और उसने उन मुनि महाराज को भी जला के भस्म कर दिया। अब ये जो फल मिला, ये फल कर चुकने के बाद मिला। यहाँ भी फल मिला और फल क्या मिला, सातवें नरक में गए और वहाँ नारकी बने हुए हैं। दो तरह का फल मिला, यहाँ भी फल मिला और वहाँ भी मिला। इस तरह किसी किसी को करने के बाद फल मिलता है। अच्छा, लौकिक में हम देखें, किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली या समझो किसी को मार डाला, अब बाद में पुलिस ने सुराग लगाया, लगाते 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 पकड़ लिया, तो उसको फल कब मिलेगा? उसको फल मिलेगा कर चुकने के बाद। इसी तरह कोई कोई हिंसा कार्य कर चुकने के बाद उसका फल मिलता है। हिंसा का कार्य शुरू तो किया पर पूरा नहीं कर पाया, इसका क्या उदाहरण बनेगा? बाली महाराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इत्तफाक की बात, उधर से रावण और मंदोदरी एक विमान में ऊपर से निकले। रावण का और बाली का बैर था पुराना। किस बात में था? रावण ने बाली की बहन की, इसकी मेरे साथ शादी कर दो, ये आदेश दिया था, लेकिन बाली और सुग्रीव ने उसको नहीं माना। जब नहीं माना तब रावण को गुस्सा आया, वो फौज लेके आया। जब फौज लेके आया तब सुग्रीव ने कहा, अब तो इसके साथ इसको जीतना मुश्किल है, इसको अपनी बहन ब्यानी ही पड़ेगी। लेकिन बाली महाराज का, बाली का यह नियम था कि मैं सिर्फ सच्चे देव के अलावा किसी की वंदना नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, अगर बहन इसके साथ शादी करती है तो मुझे इसका सम्मान, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नमस्कार करना पड़ेगा, इसलिए मैं दीक्षा ले जाता हूँ। बाली और सुग्रीव की बहन की शादी रावण के साथ हो गई। लेकिन रावण को जब मालूम पड़ा कि बाली शादी का बहुत विरोधी था, तो रावण ने बाली को अपना दुश्मन मान लिया। अब जब रावण का विमान ऊपर से जा रहा था और नीचे बाली महाराज मुनि अवस्था में तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा नियम है कि दुश्मन को देख के विमान अटक जाया करता है। विमान अटक गया, रावण ने फौरन सोचा, मेरा विमान क्यों अटका? नीचे झांका और देखा, ओहो, कैलाश पर्वत पर ये बाली महाराज तपस्या कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपनी बहन को मेरे साथ शादी करने के लिए कितना मना किया था, चलो आज मैं इनसे उसका बदला लेता हूँ। रावण का असली नाम था दशानन। रावण ने क्या किया, जो कैलाश पर्वत था, रावण बड़ा प्रतापी विद्याधर तो था ही, जो कैलाश पर्वत था उसकी नीचे जड़ों में घुस गया और कैलाश पर्वत को मैं जड़ के उखाड़ लिया और उखाड़ के उसको उठा के फेंकने के लिए उसने प्रवृत्ति प्रारंभ कर दी।
कैलाश पर्वत को उखाड़ के उसने ऊंचा उठाने लगा। बाली महाराज वहां तपस्या कर रहे थे, उनके कायबल रिद्धि थी, शरीर में अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने ज्ञान से जाना रावण जो है दशानन, ये दशानन कैलाश पर्वत की जड़ में घुस गया है, इसको पूर्व भव का स्मरण हो गया है शादी के मामले का, अब ये क्या चाहता है, कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दूं। अगर ये कैलाश पर्वत को फेंक देगा तो कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए सारे जिनाले सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ इतने जीव आश्रय पाए हुए हैं, तमाम जीवों की हिंसा होगी, इसलिए कोई ऐसा कार्य करूं जो जिनाले बच जाएं और इतने जीवों की हिंसा भी ना हो। तब मुनि महाराज बाली ने क्या किया, अपने पैर के अंगूठे को जरा दबाया। उनके पैर के अंगूठे दबाने का प्रभाव ये हुआ कि वो जो कैलाश पर्वत जड़ से उखाड़ कर ऊंचा उठाया जा रहा था वो दब के नीचे आने लगा। नीचे आने लगा, रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि ये नीचे ना आए, लेकिन रिद्धिधारी महाराजों की शक्ति के आगे इंद्र भी कुछ नहीं करता, वो भी घुटने टेक देता है। कुछ नहीं बात चली और वो पर्वत जो उसने उखाड़ के ऊपर लाया था वो राजा महाराजा बाली के पैर दबाने से, पैर का अंगूठा दबाने से नीचे आने लगा। रावण ने पूरा जोर लगाया लेकिन नहीं, पर्वत फिर भी नीचे आने लगा। रावण पसीने पसीने हो गया और जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। जो रोने लगा तब से उसका नाम पड़ा रावण, रावण माने रोने वाला। मंदोदरी जो पटरानी थी वो विमान में बैठी हुई सब देख रही थी, वो कह रही थी आज मेरे पति बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, इन महामुनि महाराजों से ये क्यों अटक ले रहे हैं। जैसे ही उसने अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनी वो समझ गई मामला गड़बड़ है, फौरन विमान से नीचे उतरी, दौड़ के महाराज के चरणों में गई, वंदना विनती करने लगी, महाराज मेरे पति की रक्षा करें। बाली महाराज ने इतना सुना और उन्होंने अपना अंगूठा ढीला कर दिया, रावण नीचे से निकल आया। अब प्रश्न, कैलाश पर्वत के चैत्यालयों को विध्वंस करने का और जीव मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, बाली महाराज को मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कोई कार्य उन्होंने आरंभ तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, फिर भी उनको महान हिंसा का फल मिला। आज रावण जी नरक में बैठे हुए दुख पा रहे हैं। इस तरह कोई हिंसा पहले ही फल देती है, कोई करते हुए देती है, कोई करने के बाद देती है, और कोई प्रारंभ तो कर दिया लेकिन कार्य नहीं कर पाए तब फल देती है। इस प्रकार हिंसा के फल की फल देने के समय में बड़ी विचित्रता मालूम देती है। पंडित जी, ये चार प्रकार की हिंसाओं का फल अलग अलग प्रकार से क्यों मिला? अपने अपने भावों के अनुसार हिंसा का फल मिलता है। एक शब्द दिया है ना, हिंसानुभावेन, अनुभावेन भावों के अनुसार। कार्य शुरू हो गया, कर नहीं पाया लेकिन भाव बना लिए, फल मिलेगा। करते हुए भाव हैं उनका फल मिलेगा। कर चुकने के बाद भी भाव हुए उनका फल मिलेगा। और कार्य आरंभ तो कर दिया है पर कर नहीं पाया है लेकिन मैं इस कार्य को पूरा ज़रूर करूँगा, ऐसे उसके परिणाम पक्के हैं, तो आरंभ हो गया, काम पूरा नहीं हो पाया फिर भी उसका फल तो मिलेगा ही। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर एक वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।